बच गए कि मैडम अभी तक नहीं आई, आ गई होती तो बस। चल यार कुछ खाने वाने को मंगा ले। समोसे और चाय बोल दे। समोसे तो बनते हैं, अभी मैडम के आने से पहले समोसे खा लेते हैं। मैडम के आने के बाद तो तुझे पता है ना क्या खाना पड़ेगा। 12 समोसे भेजो। क्या हो गया यार, घबरा क्यों रहा है तू? तूने जैसे मैडम क्या हुआ इनको? यो बहुत जल्दी मरने वाला है। अरे नहीं 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 मैडम नहीं नहीं सॉरी। I'm okay. Excuse me, madam. मैं हूँ मूरत from सूरत। स्टेशन नजदीक है। अबे इस स्टेशन नजदीक है तो मैं क्या करूँ? 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके कुल्लड़ वाली चाय पी लूँ मैं भूख मार मार के। अरे मैडम अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे जा रही हो ना चाय पीने के लिए तो वहाँ पे गाठिया जरूर खाना, क्योंकि वहाँ के गाठिये बहुत फेमस है, स्टेशन नजदीक है। हा? तू गाठिया बेचने वाला है? तू यहाँ गाठिया बेचने आया है? Well, what is the matter is the mom is police inspector is the. Yeah, I can see her. देखो यार जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम का पेठा है वो मैडम के सामने कर दो पेश और बता दो केश, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का मथुरा का पेड़ा हो गया टेढ़ा तो हमारी मैडम एक नंबर की जेल की रोटी, मेरा मतलब है भुने गोश्त की बोटी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? तो आपको क्या लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता? अरे मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, स्टेशन नजदीक है। मैडम बात यह कि मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं ना उसके बगल वाला यानी कि मेरे बगल वाला फ्लैट बिक गया है, स्टेशन नजदीक है। तो तुम क्या चाहते थे कि वो ना बिके? हाँ वेरी फ्रैंक विथ यू, पहले मैं ये चाहता था कि वो फ्लैट ना बिके, लेकिन अब बिक गया तो मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि वहां पे एक ब्यूटीफुल सुंदर सुशील रूपवती कन्या यानी कि लड़की रहने के लिए आई है, स्टेशन नजदीक है। वाओ, उसकी किस्मत की खुल जाती है पुड़िया इज्दा, जिसके पड़ोस में रहती हूँ कुड़िया इज्दा। लेकिन दादाजी लड़की के साथ आई है बुढ़िया इज्दा। ओ फूल के साथ काटे। अबे ऐसा है अपनी तकलीफ बता ले, वरना ये बूढ़ा बोलेगा अभी बड़ी प्रॉब्लम इज द और दिल्ली में जो है पालम इज द और बालम और पता नहीं फालतू की राइमिंग। Well... क्यों बोल दी है ना थारी लाइन मैंने, तो किस लिए बिल्कुल ही घुस रहा है अभी? कैरी ऑन। गिनती की चार बोलता है तू लाइन है पूरे दिन में, उन्हें ही रिपीट कर करके हमारे कान पक गए हैं, चुप रहा कर। आगे बोल। मैडम बात यह है कि मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वो फ्लैट है ना 2 बेडरूम हॉल किचन का है, क्वाक, 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 क्वाक। और मेरे पड़ोस का फ्लैट जहाँ पे वो ब्यूटीफुल लड़की रहने के लिए आई है उनका फ्लैट है 1 बेडरूम हॉल किचन। तो मैडम अब क्या बात यह है कि उन लोगों ने कुछ सामान मेरे फ्लैट के अंदर रखा हुआ है, स्टेशन नजदीक है। Well, what you saying is the, तुम्हारे घर में है उनका सामान स्टेइंग इज द? अरे हाँ दादाजी, किचन को पूरा स्टोर रूम बना दिया है, मेरे बेडरूम में कुछ ना कुछ और सामान डाल दिया है, और मैडम हॉल में यानी कि मेरे ड्राइंग रूम लिविंग रूम में उन्होंने वो पौधे वो गमले क्या क्या वो सब कुछ सामान रख दिया है, स्टेशन नजदीक है। मैडम इसकी वजह से ना मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं ठीक से खाना नहीं पका सकता, ना ही कपड़े धो सकता हूँ, ना ही घर साफ कर सकता हूँ, ना ही कपड़े सुखा सकता हूँ मैडम, क्योंकि मैं कुंवारा हूँ मैडम। अंडरलाइन मैं कुंवारा हूँ, स्टेशन नजदीक है। क्यों दिया था ने परमिशन अपने घर में उनका सामान ढुसवाने की? वही लड़की की वजह से मैडम, शी इज वेरी ब्यूटीफुल हसीन खूबसूरत रूपवती मैडम। मैडम वो मेरे घर पे आई और मुझसे रिक्वेस्ट की कि कुछ सामान हम लोग आपके घर में रख सकते हैं, तो मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, स्टेशन नजदीक है क्योंकि वो खूबसूरत है ना मैडम।
बाद में उसने कहा कि हमारे ये कुछ पेड़ पौधे हैं प्लांट्स से, वो भी हम आपके घर में रख सकते हैं। तो मैंने सोचा मैडम कि अगर मैं ये पेड़ पौधे रखने दूंगा इस लड़की को मेरे घर में, तो वो पानी पिलाने के लिए तो आएगी ना पौधों को, तो उसी बहाने में उसके साथ चैटिंग कर लूंगा मैडम, क्योंकि मैं कुंवारा हूं ना। अंडरलाइन मैडम, मैं कुंवारा हूं। लेकिन मैडम हुआ ही है कि रोज सुबह 6 बजे मेरे घर की घंटी बजती है। मैं इस उम्मीद से दरवाजा खोलने जाता हूं कि वो ब्यूटीफुल लड़की होगी, लेकिन मैडम सामने उसकी मम्मी होती है, आंटी जी। मैडम वो है ना प्लांट को पानी पिलाती है और साथ में मुझे डांटती है। अरे क्या आप क्या कर रहे हो, हमारे ये प्लांट पौधे का आप ख्याल नहीं रख सकते हो, देखो कितने मुरझा गए हैं। और कहती है ये हमारा सामान देखो, इसमें देखो कितनी धूल मिट्टी सब कुछ लग चुकी है, इसे साफ नहीं कर सकते। मैडम इतना सुनाती है कि मैं रो पड़ता हूं। मैडम स्टेशन नजदीक है, बुलवाओ मां बेटी ने। ओके क्या बोलो हर ठीक है? हाँ नहीं इधर ही है ठीक है। ओके आप पुलिस से याद है? या हाय हाय ओह ना 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 वेल मॉम ही इज द मॉम इज द एंड ही इज द डॉटर इज द कैन आई गिव यू वाटर इज द हाँ भाई आप हो रही हैं मूरत फ्रॉम सूरत की पड़ोस ने? यस मैडम हम ही हैं वो दोनों। इलाहाबाद चलिए ना। भाई इलाहाबाद भी जाएंगे और बच्चन साहब के घर के आगे मत्था भी टेक आएंगे। पहले तो जो इसने आपके खिलाफ FIR लिखाई है उसका बता दीजिए क्या करना है। क्या मूरत तुमने मेरे भी खिलाफ FIR लिखवाई लव के पियानो से? नहीं 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 पियानो से नहीं, इन्होंने खुद अपने मुंह से बोल के FIR लिखवाई है। अरे नहीं नहीं मैंने तो तुम्हारी मम्मी के खिलाफ FIR लिखवाई है, स्टेशन नजदीक है। क्यों रे तैने मेरे खिलाफ FIR लिखवाई है? हैं यूं बता दे क्या दे मारा मैंने? रामगढ़ का पहाड़ उठा के तेरे सर पे दे मारा मैंने? हैं इलाहाबाद चलिए ना। वेल आंटी जी आंटी अरे दद्दू आईने में अपनी शक्ल देखिए। अरे उमर देख आईने में, हमारे बनारस के वो सैफू चाचा है ना उनकी उम्र का हो रहा है और मुझे आंटी कह रहा है। खबरदार तो मुझे आंटी कहा। इलाहाबाद चलिए ना। थैंक यू हो गया करवाली बेइज्जती अपनी। या फीलिंग बेटर? या भाई आंटी अपना नाम भी बता दो, बाकी तो सब कुछ बता ही चुकी हो। अब नाम में क्या धरा है मैडम? वैसे मेरी अम्मा ने मेरा नाम धरा गुल्ली गुलाटी। इलाहाबाद चलिए ना। अरे वैसे आपका क्या नाम है? सायोनारा या फिर चाउमी? सॉरी मतलब आपका क्या नाम है मोहतरमा, जरा बताएंगी? व्हाई नॉट, मेरा नाम है बिजली। लव के पियानो से। भाई देखिए ऐसा है माँ बेटी, किसी के घर में जो है अपना सामान जबरदस्ती रख देना गैर कानूनी हो गया, इतना तो बेरा ही होगा। और आप दोनों ने यो काम करा। इतना कानून हम भी जाने हैं मैडम। अरे गैर कानूनी तो तब होता जब हम बिना इसके पूछे कछे इसके घर में अपना सामान धर देते। हमने तो पुछवाने के लिए भेजा था बिजली को। क्यों रे तू क्या खड़ी मुंह देख रही है, बोल। हाँ मम्मा, और इन्होंने हमें हाँ भी कही थी। कही थी ना? अब जब पापा क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ कही थी पर देखा देखा क्या कह रहा है ये, इनने कहा कि हाँ, इनने इजाजत दी थी। ये 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 वैसे मैडम हम अपने बारे में बताएं तो हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं,
इलाहाबाद में हमारा इतना बड़ा मकान है मैडम, 4 कमरा, उसके ऊपर बरामदा, 2 भैंसिया, भैंसिया के छप्पर वाला घर। मैडम मजबूरी क्या ना करवाए, मजबूरी में बेचना पड़ा हमें। तो बताओ 4 कमरे का सामान जो हम कहां सर पे लादे लादे घूमते, तो हमने कहा इसी के घर में दे मारो, तो हमने इसके घर में धर दिया। क्यों, इसका घर गोडाउन से? ना मैडम, इसका घर तो बहुत अच्छा है, अरे हमारा सामान भी तो उस लायक है। अब मैडम देखो, हम दोनों जो अबला हैं, ढूंढ रही हैं यहाँ वहाँ भटकते हुए एक घर, एक बड़ा सा घर, सामान बहुत है ना मैडम, तो जैसे ही हमें बड़ा सा घर मिल जाएगा हमारी पसंद का, तो हम दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ही हम शिफ्ट हो जाएंगे, वैसे हमारा सामान भी शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, अलाहाबाद चलिए ना। अरे मैं, हाँ मैडम, तब तक हमारा सामान इनके यहाँ रहने दीजिए ना, लव के पियानो से। Well, mom, this is the poor dude. हमें इन दोनों poor dudes की help करनी चाहिए। और ये क्यों करनी चाहिए इनकी help? कोई कारण तो होगा। Well, हाँ भाई, रीजन बता। Because This is the बोल that is the RAT rat is the wow. CAT cat is the what you looking at कराली बेस्ती या चैन पड़ गया या जब बाहर जाके निकल हवा खा बाहर पेडिस्ट्रियंस से करवा अपनी बेस्ती चल वैसे मैडम आपने गोपी को तो बाहर भेज दिया, लेकिन उसकी बात गलत तो नहीं है, अब ये दोनों बेचारी महिलाएं हैं, अब अपना सामान लेकर कहां भटकती फिरेंगी, है तो कुछ दिनों के लिए इस मूरत के घर पे इनका सामान रहने दीजिए ना भाई। कुछ दिनों के लिए तो सामान रखने में कोई बुराई है ना? तू बोल भाई मूरत, अगर तेने जो है तकलीफ ना हो थोड़े दिन के लिए, जब तक इन्हें बड़ा घर ना मिलता, थारे घर में अपना सामान रख ले। प्लीज मूरत, अभी कुछ दिनों की बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना स्टेशन नजदीक है। चलिए वेरी गुड, आप लोग निकलिए खुशी खुशी जो है, लव दाय नेबर। ओके थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मिल गए लड्डू, आ जा घर। कम ऑन मुराद, आंटी जी मैडम मैडम मैडम, मैं मूरत फ्रॉम सूरत मैडम, प्लीज मुझे बचाइए मैडम, स्टेशन नजदीक है। किससे बचाया था ना? अरे इनसे ही, आंटी जी से। मैडम यह ना मुझे कब से पीट रही है, मेरी सुताई कर रही है मैडम, प्लीज मुझे बचाइए, स्टेशन नजदीक है। ओ क्या किया तुमने, तुमने इनकी बेटी को आंख मार दिया सीटी, कुछ तो किया होगा। हमारे जो है डैडी का माल हो रहा है आंटी, जो सूत रही हैं आप इन्हें। अरे इसकी छिताई पिटाई ना करूं तो क्या आरती उतारू फूलहार डाल के इस मूरत की, अलाहाबाद चलिए ना। अरे मैडम हिम्मत देखो इसकी, मेरी बिटिया को पट्टी पढ़ा रहा था, बिजली फूल पत्तियों में पानी डाले तुम ही आई हो, अम्मा को ना भेजी हो, अलाहाबाद चलिए ना। घनी भाग गई है आंटी की बेटी तुझे? नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है मैडम कि ये आती है पौधों को पानी पिलाने के लिए, और ये मुझे सुनाती है, फिटकारती है मैडम, इसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, मेरा सारा काम लेट हो जाता है मैडम। नहीं 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 नहीं, बात कुछ और है, तुम सच सच बता नहीं रहे हो, मतलब तुम क्यों चाहते हो कि इनकी बेटी तुम्हारे घर में आए और पौधों में पानी डाले, क्यों? यूं ही तुम मुझसे बात करते हो या कोई प्यार का इरादा है? और अरे बताओ बताओ मैडम से क्या शर्माना।
मेरा मतलब है कि मैडम तो प्यार की सपोर्टर है, लव की सपोर्टर है, बोलो। अगर आप लोग इतना ही फोर्स कर रहे हो तो हाँ, मुझे अभी अभी एहसास हुआ है कि मैं इनकी बेटी से प्यार करता हूँ। yes! स्टेशन नजदीक है। ओहो भैया, ऐसा है तो इस सिचुएशन में हमारे दिमाग में एकदम बढ़िया आइडिया आ गया है। आंटी एक बात बताओ, तुम अपनी बेटी की शादी वादी करवाओगी, कुछ सोचा है? सारी जिंदगी घर में बिठा के थोड़ी रखूंगी मैडम, ब्याह करूंगी। तो भाई यो भी बता दो कि दामाद कैसा चाहिए तुम्हें? हाँ बस ऐसा दामाद जिसकी पक्की नौकरी हो, रहने को पक्का मकान हो और हाँ शरीफ हो। ओपन योर आईज एंड स्मेल द कॉफी। भाई यो छोरा जो सामने खड़ा है ना तुम्हारे नारंगी बन के, इसकी नौकरी भी है पक्की, पक्का घर भी है और यो शरीफ भी है। करवा दो बेटी के हाथ पीले, दो दिल भी मिल जाएंगे और घर भी। अरे बीच की बस दीवार ही तो तोड़नी है। well, जिससे बढ़ जाएगी घर की स्पेस इज द और खत्म हो जाएगा केस इज द। सोच लो आंटी, बस एक दीवार गिराने की देर है, बड़ा घर भी मिल जाएगा, बेटी को वर भी मिल जाएगा, बेटी आंखों के सामने भी रहेगी और फिर जितनी मर्जी आए फूल पत्ती लगाती रहियो। मुहूर्त तने मंजूर से? हाँ हाँ मैडम मुझे मंजूर है, पर मुझे ये लगता है कि अब स्टेशन नजदीक है। होने वाले जमाई राजा, तुम्हारा तो स्टेशन नजदीक है लेकिन मैडम मेरा स्टेशन बहुत दूर है। वो ऐसे कि मैं तो राजी हो जाऊंगी इससे ब्याह कराने को, लेकिन मेरी बिटिया क्या है वो राजी ना होगी। वो गुस्से में जिद पकड़ के बैठी है, कसम खा ली है उसने कि ब्याह करेगी तो वो लव मैरिज, और वो भी ऐसे छोरे से जो हिम्मत वाला हो। ओ मतलब जितेंद्र? नहीं नहीं जितेंद्र ना भैया, वो ही मैन टाइप। वेल धर्मेंद्र, बुढ़ाओ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे ऐसा छोरा जो बिटिया के दिल में थोड़ी सी जगह बना सके अपनी हीमेन गिरी से। अरे तो यो बनाएगा ना तुम्हारी बेटी के दिल में जगह, यो बनेगा हीमेन और धर्मेंद्र जितेंद्र सब बनेगा यो। गुलगुले थारे दिमाग में अगर एडी आने बंद हो गए मारे तो मैं तेने चौकी की छत से उल्टा टांग दू। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही फुल नौटंकी फोड़ दो टंकी आइडिया आ रहा है। तो तैने पानी की टंकी में डाल के नल चला दूंगी फिर देगा आइडिया। तो जरा कोने में तो आइए। आंटी ऐसा है, गोपी गुलगुले गुंडे बनके तुम्हारी बेटी को छेड़ेंगे, यो बीच में हीरो एंट्री मार के थारी बेटी को बचाएगा और उसकी नजरों में एकदम हीमैन सुपरमैन सब बन जाएगा यो। क्लियर? बस तेने एक काम करना है आंटी कि तुम्हारी बेटी घर से कब निकलती है और कहाँ जा रही है वो हमें फोन करके बता दो। ठीक है मैडम, तो फिर मैं अभी चल रही हूँ। कितनी खुश हो गई देखा मैडम। लगता है आप स्टेशन बिल्कुल नजदीक है और तू कुछ डोले छोले बना कसरत वगैरह कर, कुछ लग हीरो टाइप। आता हूँ मैडम। जाने बार गुले गुलजार क्यों भटक रही हो राहों में, आ जाओ हमारी बाहों में। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग लहू के पियानो से? देखो आइटम, हम तुम्हें छेड़ने आए हैं, अब तुम्हें हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, चाहे वो हीमैन हो चाहे हिम्मत वाला। नजरंग हमारे होते हुए हमारे इलाके में लड़की छेड़ते? गुलगुले 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 की धमकी देते हैं? हम ना गुलगुले से डरते ना किसी कमिश्नर से, समझे? वो गोपी की नकल उतारता है वे। अब ये गुंडे तो मैं छेड़ेंगे नहीं समझे, और अगर तुम्हारे आसपास भी आए ना तो हमें फोन कर देना। मतलब है ईमान चौकी के हम चीफ इंस्पेक्टर हैं, हमें वहाँ ऑफिस में फोन कर देना। ओके ओके चलते।
बजरंग। हाय, यही है वो हिमैन, हिम्मत वाला, जो बनेगा मेरा घर वाला, लव के पियानो से। I am in love। बिजली, तुमने क्या किया? स्टेशन नजदीक है।